अवैध तरीके से रह रहे हैं, हमें नहीं लगता है कि उसका कोई समर्थन करेगा। जो घुसपैठ है, जो इलीगल तरीके से यहाँ रह रहे हैं, उन पे कार्रवाई होगी। जो यहाँ पे कई वर्षों से रह रहे हैं, अपना यहाँ पे काम कर रहे हैं, पालन पोषण उनका हो रहा है, तो उनको कोई भुलाने की इसमें जरूरत नहीं है। हम आप ही से सवाल करते हैं, क्या घुसपैठ को आप लोग सरा करना देंगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो हमारे नागरिक हैं, उनकी सदस्यता पे, उनके सिटीजनशिप पे कोई भी आंच नहीं आने वाला है। इस बात को हमारे गृहमंत्री जी ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसको स्पष्ट कर दिया है कि उनके नागरिकता पे कोई भी प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगने वाला है। जो घुसपैठ है, जो इलीगल तरीके से यहाँ रह रहे हैं, उन पे कार्रवाई होगी। जो यहाँ पे कई वर्षों से रह रहे हैं, अपना यहाँ पे काम कर रहे हैं, पालन पोषण उनका हो रहा है, तो उनको कोई ढुलाने की इसमें जरूरत नहीं है। ढुलाना उन्हें है जो कि इलीगल तरीके से हमारे देश में है। लेकिन जेडीयू का स्टैंड तो अलग है, जेडीयू इससे अलग है। जेडीयू साफ करे कि इस तरह के किसी भी कानून का वो समर्थन नहीं करेगी। आप सरकार में है बिहार में, आपने हमसे सवाल किया, हमने जो हमारे जो विचारधारा है वो हमने रखा। अब वो क्या कह रहे हैं आप वो स्पष्ट कर सकते हैं, ज्यादा अच्छे से बता सकते हैं। लेकिन जो अवैध तरीके से रह रहे हैं, हमें नहीं लगता है कि उसका कोई समर्थन करेगा। जातीय जनगणना को लेकर क्या आपकी राय? देखिए, ये 2011 में 10 साल से ज्यादा हो रहा है ये हुआ था, और उसके वनस्पत जितनी भी योजनाएं बनती है उसके वनस्पत बनती है। हमें लगता है कि ये होना चाहिए ताकि आगे भविष्य में जो भी योजनाएं में बनती है तो उसके हिसाब से योजना बनाई जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को उसका लाभ मिल सके। एनडीए का साथ है कि बीजेपी एकदम नहीं करवाना चाह रही है? देखिए, एकदम नहीं करवाना चाह रही है, लेकिन जो जनहित में जो भी फैसला लिया जाएगा, जो जनहित के लिए फायदेमंद होगा, वो जो करना चाहिए। नई पार्टी का ऐलान किए हैं, हमें नहीं लगता उन्होंने नई पार्टी का ऐलान किया है। हम देखिए, सभी स्वतंत्र है अपना अपना फैसला लेने के लिए, वो बाकी बनाए या क्या करें, सभी लोग अपना स्वतंत्र है। इस पर हम ज्यादा कुछ कितनी करना नहीं चाहेंगे, और इससे ज्यादा अच्छी तरह से नहीं बता पाएंगे। सवाल विपक्ष उठा रहे हैं, विपक्ष के ही जब सरकार थी तो ही तो जंगल राज था। क्या विपक्ष ये सवाल कर रही है कि वापस जंगल राज आ रहा है? जिस जो जो विपक्ष दोबारा सवाल उठा रही है? आप 15 साल बना, 15 साल अगर आप देखे, आप अगर आप सड़क पर निकलते हैं, ये अटल पथ, ये मेट्रो का काम, ये नए हाईवे ये बन रहे हैं, ये क्या विकास का काम नहीं है? ये कौन सा काम है? पहले के मुकाबले, आज के मुकाबले आप देखिए, सिक्योरिटी वाइज हो, सेफ्टी वाइज हो, सब में सुधार आया है। आप लोग भी यहाँ पे हैं, पहले कुछ ही पत्रकार साथी होते थे, आप तो काफी सैकड़ों के संख्या में पत्रकार हैं। आप लोग बताइए, जब आप लोग यहाँ निकलते हैं तो क्या आप लोगों को पहले के मुकाबले बिहार कैसा लगता है? क्या वैसे बिहार नहीं लगता है आपको पहले मुकाबले?